पानी पिए आओ करिए। हाँ हाँ लाओ जी बिस्किट। अरे खाओ। मनु बेटा। हाँ बाबूजी। अरे बाबूजी। हाँ आए, पैदल आ रहे थे तो एक लड़का मिल गया, लेकर आ रहा है। अच्छा अच्छा, बैंक में भीड़ तो ज्यादा नहीं थी? अरे भीड़ थी लेकिन लोग पहचानते हैं। अच्छा, निकाल दिए। बाबूजी, सरकार ने वादा किया था पेंशन बढ़ाने के लिए, कुछ बढ़ी वढ़ी? अरे बढ़ी वढ़ी नहीं है, जो है ये है। अच्छा अच्छा, ये है कोई? ए तुम छीन रहे हो? अरे तुम अकेले लोगे क्या? अरे अकेले नहीं लेंगे तो कौन लेगा? अरे हम बिन के बेटे हैं, तुम अकेले कैसे लोगे? अरे कैसे छोड़े? बाबूजी हमारे साथ में है तो मैं लूंगा। तो हम इनके बेटे नहीं है क्या? अरे तो मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं हो, जब तुम्हारी तरफ रहते हैं तो तुम लेते नहीं हो। तो खर्चा नहीं रहता है क्या? तो बाबूजी की दवाई नहीं लानी है, और बच्चों का एडमिशन भी तो कराना है, और खेतों में दवाई भी तो डालनी है। अरे तो मैं क्या करूँ? क्यों नहीं करोगे? अरे कैसे करूँ? पैसा छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे? सुना बाबूजी हमारे साथ रहते हैं। तुम्हारे साथ मैं पैसा दूंगा। तुम्हारे साथ रहते हैं तो क्यों रखोगे? नहीं दूंगा, क्या कर लेगा? अरे मम्मी पैसे के लिए झगड़ा मत करो। अरे अगली पेंशन आएगी तो तू पूरा ले लेना, इसमें खर्चा है, बच्चों का एडमिशन है, दोनों आदमी खर्चा है, दादा बांट लो। ठीक है बाबूजी, मैं लेकिन एक शर्त पर इसको पैसा दूंगा, अगली बार जो पेंशन में 2 लाख रुपए बढ़ोतरी का आएगा उसको मैं अकेले लूंगा, मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। 2 लाख? बाबूजी आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं 2 लाख के बारे में। हे बाबूजी को बहका मत, इसमें आधा लेना है कि नहीं? लेना है, लेना है। हाँ तो लो, छोड़ो। चलिए बाबूजी, खा खा के मोटे हो गए हो, पैर आगे नहीं बढ़ा पाते, चलिए जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी जल्दी बाबूजी, चलने में नौटंकी करते हो, चलो बैठो यहाँ। 15 दिन आपने मेरे यहाँ ठूस ठूस कर खाया, मेरे घर का राशन खत्म हो गया, टंकी मेरी खाली हो गई, अब आप सोनू के यहाँ खाएंगे, मेरा 15 दिन पूरा हो गया। क्या सोनू सोनू लगा रखा है? और बाबूजी को यहाँ क्यों लाके बैठा दिया? अरे क्यों ना लाऊं? पंचायत ने फैसला किया था कि 15 दिन मैं खिलाऊंगा, 15 दिन तुम खिलाओगे, मेरा 15 दिन पूरा हो गया खिलाने का, अब तुम्हारी बारी है। जब तुम्हें मालूम है कि मेरी बीबी मायके गई हुई है तो मैं कहाँ से बाबूजी को खिलाऊंगा? लाके यहाँ बैठा दिया, लेके जाओ यहाँ। नहीं लेके जाऊंगा, बाबूजी अभी रहेंगे। अरे लड़ो मत सोनू मोनू, मेरे होनहार बच्चों, तुम्हें मालूम नहीं है कि जब तुम छोटे थे 2 साल के थे तो तुमको मैं कंधे पे लेकर घूमता था, बाजार बाजार घूमता था, कुछ टॉफी खिलाता था, कहीं कुछ खिलाता था, कभी कभी तुम पेशाब भी कर देते थे, कोई घृणा नहीं, मैं समझता था गंगा जल है, और कभी कभार आप टट्टी भी कर देते थे तो मैं उसको फेंक देता था, मुझको घृणा नहीं आई। अब आज तुम लोग मुझे भार समझ रहे हो, भार समझ के फेंक रहे हो, ठीक है मैं तुम लोगों पर भार नहीं बनूंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत अच्छा हुआ भाई साहब जो बाबूजी घर छोड़कर चले गए, मेरे यहाँ 15 दिन ठूस ठूस कर खाए, और आपका राशन तो बच गया। अरे क्या राशन बच गया, गवर्नमेंट वैसे 5 किलो देती है राशन, उसमें हम क्या खाएं और बाबूजी को क्या खिलाएं? आयोजमा। अरे समस्या जी, रुको 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 रुको। अरे गुरुजी प्रणाम। पहचाना नहीं गुरुजी, हम तो आपके बहुत पुराने शिष्य से। चक्रधर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब याददाश्त थोड़ा कमजोर हो गई। हाँ गुरुजी, काफी अच्छा समय भी बीत गया, हम भी यहाँ से पास आउट होने के बाद चले गए थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ से LLB क्वालिफाइड होके आया हूँ, आजकल यहीं सिविल कोर्ट अयोध्या में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, यही हो अयोध्या में। और गुरुजी आप बताइए, आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी हालत तो घर में भिखारियों जैसी हो गई है, बच्चों के लिए मैं भार बन गया हूँ, 15 दिन एक बेटा खिलाता है, 15 दिन दूसरा बेटा खिलाता है, और कभी कभी झगड़ पड़ते हैं तो कोई नहीं खिलाता, मुझे उपवास ही करना पड़ता है।
अब तो बेटा हद हो गई है। मैंने फैसला कर लिया है कि इस घर में नहीं रहूंगा, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अरे गुरुजी चिंता न करें, आपका शिष्य भी है, ऐसा चक्र चलाऊंगा ऐसा चक्र चलाऊंगा, आपके दोनों बच्चे दिनों रात आपकी सेवा करते थकेंगे नहीं, रात दिन आपकी सेवा करते रहेंगे। अच्छा बेटा कौन सा चक्कर है? अरे गुरुजी वो चक्कर मैं आपको बताता हूँ। कोई है? कौन है? अरे बाहर आइए भाई। राम प्रसाद जी का मकान कौन सा है? यही है। कहाँ है? मुलाकात करनी है। क्यों? क्या बात है? मैं आपको नहीं बता सकता, उन्हीं से मुलाकात करवाइए मेरी। उसे नहीं बता सकते? नहीं। चलिए बताते हैं। चलिए मुलाकात। बाबूजी ये आपसे मिलने आए हैं। कौन है सर? मैं चक्रधर हूँ, आपसे ही मुलाकात करने आया हूँ। मैं शेयर मार्केट का ब्रोकर हूँ। आपको याद नहीं होगा आपने करीब 20 साल पहले शेयर मार्केट में अपने 5,000 रुपए लगा रखे थे, आज वो बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो गया है, उसी के संबंध में हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। हाँ क्या नाम बताया आपने? चक्रधर। हाँ चक्रधर जी, हाँ मैंने 5,000 रुपया शेयर मार्केट में लगाया था, भूल गया था, याद आया हमने लगाया था जरूर 5,000। अरे हट, बैठिए साहब। अरे खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है साहेब? के लिए कुछ चाय पानी लाएगा कि इसे बस अंगूठा दिखाएगा? चल भाग जाता हूँ। अरे साहेब कोई लफड़ा तो नहीं होगा? लफड़ा काहे को होगा, आप ऐसे बस मेरा चक्कर देखते चाहिए। धन्यवाद सब, धन्यवाद। अरे सोनू भैया, अरे पानी जल्दी लेके आओ। लाया लाया। लीजिए साहब मिठाई, पानी लीजिए साहब, पानी पीजिए। अरे सोनू जी। पिताजी पानी लाने के लिए मैंने मोनू से कहा था, तुम कैसे लाए? अरे पिताजी मैं भी तो आपका बेटा हूँ, कल को कोई ताना न मारे कि बेटा बाप को पानी भी नहीं पूछता था। अरे साहब पानी पीजिए, कागज पत्र तो चलता रहेगा। अरे नहीं नहीं पानी वानी चलता रहेगा, पहले ज्यादा जरूरी है इन कागजात के दस्तखत लेना, इसको ऑफिस पहुँचाना। गुरु जी ये लीजिए, इस पर दस्तखत करिए। वैसे क्या नाम है आपका? चक्रधर। वाह क्या नाम है, श्री कृष्ण जी का चक्र, चक्रधर। वैसे चक्रधर जी बाबू जी को 3 करोड़ रुपए कब तक मिल जाएंगे? हाँ हाँ चक्रधर जी कब तक मिल जाएंगे? बस बाबू जी के साइन हो जाए और ये कागज हेड ऑफिस पहुँच जाए, बस टक टका टक खाते में पैसा ट्रांसफर। चक्रधर जी अभी खाते में पैसा ट्रांसफर मत करना, जब मैं कहूँगा तभी ट्रांसफर करना। गुरु जी जैसी आपकी इच्छा। पानी तो पीजिए साहब। पानी तो हम उसी दिन पिएंगे जिस दिन आप लोगों को 3 करोड़ रुपए मिल जाएगा। अच्छा आयो रिमा। बाबू जी आप कितने दुबले हो गए हैं, आपको चश्मे के लिए भी मैंने कितनी बार कहा कि चश्मा बदलवा लो चश्मा बदलवा लो, लेकिन आप तो बच्चों के पीछे परेशान रहते हैं। अरे मोनू कैसी छोटी मोटी बातें कर रहा है तू, देखना आज मैं बाजार जाऊंगा और बाबूजी के लिए काजू बादाम केसर लेकर आऊंगा और एक हफ्ते में खाकर बाबूजी घोड़ा हो जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी ना घोड़ा हो जाएंगे, बाबूजी की सेवा करना पड़ेगा। हाँ तो करूंगा ना। हाँ तो करो ना, देखते क्यों, बाबूजी लीजिए खाइए। खाइए बाबूजी, आप खाइए, आप खाइए, पानी पीजिए बाबू, पानी पीजिए। आओ करिए, हाँ हाँ बाबूजी बिस्किट। खाइए। बाबूजी हम बच्चों को माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचानने में भूल कर दी, ठीक है? पानी पीजिए बाबूजी। ना डालोगे क्या? आयो रिमा। दर्शकों नमस्कार, देखा अभी आप लोगों ने पैसे की ताकत। आजकल का पारिवारिक माहौल इतना बिगड़ गया है, किसी भी बच्चे से पूछो कि तुम्हारे पिताजी किसके साथ हैं, तो वो बोलेगा कि हमारे साथ रहे हैं, लेकिन क्या संपत्ति तो पिताजी की है,
पिताजी बच्चे के साथ हैं कि बच्चे पिताजी के साथ हैं, ये आप लोग ही निर्णय करें।